वेलकम ऑन मंच एंड आई एम दिनिशा एवन एंड आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। एंड आज मैं आई हूँ अपनी आनी के घर पर, जैसे कि रक्षाबंधन अपने भैया को राखी बांधने के लिए, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मैं। तो आज मैं आई हूँ नानी के, तो मैं कराने वाली हूँ पूरे घर का होम टूर। जो बैकग्राउंड साउंड है उसको इग्नोर करना, तो अभी नए नए घर बनाए तो कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू है, तो उसको भी इग्नोर करना। तो अब स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मेरा पूरा आउटफिट वाइट है एंड मैंने सब कुछ वाइट कर रखा है। मेरे ईयरफोन्स भी वाइट है एंड मेरे स्टॉल भी वाइट है एंड मेरी नेल पेंट वाइट है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मेन गेट, तो ये बड़ा वाला गेट है और ये छोटा वाला गेट है। तो हम एंटर करते हैं छोटे वाले गेट से। और ये स्टेयर्स हैं, तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, नया नया घर बनाए तो अभी यहाँ पे काम तो चलता ही है नए नए घर में। तो अभी यहाँ पे मोटर लगी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो, उससे पानी या तो बिजली बनती है। और ये एमसील, जिससे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो अभी हम गेट को लॉक कर लेते हैं एंड चलते हैं। अभी यहाँ पे एक स्टेयर्स भी हैं, उसको आपको बाद में दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं अंदर। यहाँ पे बहुत सारा काम हो रहा है, तो अभी यहाँ पे बहुत सारा सामान पड़ा है, साइकिल पड़ी है, किसी की बाइक्स पड़ी हैं। यहाँ पे कूलर है और यहाँ पे लोग बैठे हैं और टीवी देख रहे हैं। और ये वॉशरूम है एंड एक लेडर है एंड ये किचन है। वहाँ किचन भी उधर उधर पड़ी है क्योंकि अभी काम चल रहा है। तो बाद में जब मैं आऊँगी फिर से सही हो जाएगा तो आपको दिखाऊँगी। और ये मिरर में मैं हूँ और ये आपको दिखा दूँ, किचन है ये हमारी। यहाँ पे मामी काम करती हैं, हर रोज़ काम करती हैं सुबह से शाम तक। और ये एक रूम्स, ये है यहाँ पे टेबल है, बेड साइड टेबल। और ये यहाँ पे एक है मिनी टेम्पल। और यहाँ पे हमने कुछ छोटे छोटे अलमीरा से रखी है और कुछ थोड़ा छोटा मोटा सामान रखा है, मतलब पिकल्स, मतलब अचार। और ये दूसरा रूम जहाँ पे भैया स्टडी करते हैं, यहाँ पे उनका सारा सामान रखा है। यहाँ पे जो लोग काम करते हैं ना उनका सारा सामान रखा है। एंड ये एक श्री कृष्ण जी की मूर्ति। और यहाँ पे है लर्निंग टेबल और ये है यहाँ पे एक टॉर्च लाइट, जिससे भैया रात को भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ है। और ये फोटो फ्रेम्स और वो नानी से मिलवाते हैं। ये मेरी नानी, तो ये बहुत क्यूट लगती हैं। तो इनका भी आँख का ऑपरेशन हुआ है, तो अभी इन्हें ब्लैक गॉगल्स लगाए हैं। तो यहाँ बहुत काम करती हैं एंड शी इज़ सो हार्ड वर्किंग वूमेन। चलते हैं स्टेयर से ऊपर। तो अभी चल रहे हैं हम फर्स्ट फ्लोर पे। तो चलते हैं, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पूरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो काम अभी बाकी। एंड यहाँ पे एक विंडो है एंड ऊपर भी स्टेयर्स हैं, उसको बाद में दिखाएंगे। एंड यहाँ पे एक रूम है जहाँ पे मम्मी और नानी बैठी हैं। एंड ये यहाँ पे भी सामान है जहाँ पे लोग काम करते हैं, उनके ही सारे सामान है क्योंकि वो यहीं पे रहते हैं ना इसलिए। और ये हॉल है, अभी यहाँ पे रूम्स नहीं बने हैं। जब ये पूरा हो जाएगा कंस्ट्रक्शन का भी काम, मतलब सब कुछ, तो और ये उन लोगों का सामान है जो यहाँ पे रहते हैं, मतलब जो लेबर काम करते हैं ना उनका सामान है ये, वो यहीं पे रहते हैं ना इसलिए। और ये है किचन और यहाँ पे टाइल्स हैं, बहुत कुछ है काम का। और सिंक्स भी हैं एंड बहुत कुछ है। और यहाँ पे मिरर वाले डोर्स हैं। एंड चलते हैं बाहर की साइड। तो यहाँ पे उनके ही कपड़े टंगे हैं जो यहाँ पे रहते हैं, ये कूलर उनके लिए ही है। तो ये उनके लिए बाथरूम, हम नीचे वाला यूज़ करते हैं, ऊपर वाला यूज़ करते हैं। तो चलते हैं ऊपर स्टेयर से। तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पे एक हमने प्लांट रख रखा है छोटा सा। और अब चलते हैं स्टेयर से ऊपर। यहाँ पे होता तो खतरा है क्योंकि अभी यहाँ पे हमने रेल ग्रिलिंग नहीं लगाई है, तो पीछे भी खतरा है, वहाँ ज़्यादा आगे जाऊँगी नहीं, बस आपको यहीं से दिखाऊँगी कि कैसा है घर। और हम दूसरे की छत पे भी जा सकते हैं टेरेस पे, बट हम जाते नहीं क्योंकि दूसरे की छत पे नहीं जाना चाहिए।
अब चलते हैं नीचे, आराम से लेंगे क्योंकि यहाँ से गिर भी सकते हैं। तो अब चलते हैं नीचे। तब मैं खाने बैठती हूँ, फिर काम करती हूँ, थोड़ा बैठना तो पड़ता है। आप ऑपरेशन तो भी नहीं बैठी, तो ये नानी है, कुछ बोलो। हाय बोलो। हाय हाय। तो अभी हमने हम सब ने किसी राखी बांधी है, तो आप अपनी राखी दिखाओ। ये ओम शांति की राखी, तो मैंने आपको वीडियो में बताई थी, वीडियो बनाई थी ओम शांति के डांस की, तो मैं आपको किसी भी वीडियो में बताऊँगी ओम शांति क्या चीज़ है। तो कमेंट करके बता सकते हो आपको अगर कोई वीडियो चाहिए तो, मैं सब कुछ बता दूँगी। तो इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, कुछ बताओ ओम शांति के बारे में। तो आत्मा आत्मा के बारे में बताओ आप। फिर मैं हाँ आत्मा समझना चाहिए, आत्मा की दृष्टि से देखना चाहिए। शिव बाबा की संतान हम हैं, तो शिव भाई 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 है, और ब्रह्मा बाबा की संतान भाई बहन। जब मैं बहुत ज़्यादा थक रही हूँ, सुबह से मैं इतनी दूर से आई, मतलब आधे घंटे का रास्ता था घर से यहाँ तक का, बहुत ज़्यादा थक रही हूँ। तो ना अभी मैं रेस्ट करूँगी थोड़ा, मतलब सो जाऊँगी। तो अभी मैं टीवी देखूँगी, तो हल्की सी क्लिप दे दूँगी आपको जब मैं सो रही होंगी। तो अब चलते हैं, फिर सोते हैं, फिर आपको मिलूँगी उसके बाद, क्योंकि अभी मेरे फ्रेंड्स भी अभी घर पे अपने घर पे खाना वाना खा रहे हैं, तो मैंने सुबह जल्दी आके खाना खा लिया था। तो आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या खाया आज। मैंने खाई थी कचौड़ी, पूड़ी, खीर, छोले की सब्ज़ी और अचार खाया था। तो ना मैं अचार नहीं खाती क्योंकि मम्मी मना करती हैं, ऑयली ऑयली नहीं खाना चाहिए ज़्यादा। ओके, तो लीवर पर असर पड़ता है, ऑयली ऑयली बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर ऑयली मतलब हल्का सा एक दो महीने में खा लो, तो उसके बाद आपको मतलब अपने अपने बॉडी को मतलब मैनेज करना पड़ता है एक्सरसाइजेस करके। तो एक्सरसाइज कर लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज तो बस बॉडी के लिए हो गई ना, बॉडी के लिए। तो अंदर इंटरेस्टमेंट के लिए तो आप फ्रूट्स खाइए, मतलब विदाउट ऑयल फूड खाइए ज़्यादातर। तो मैं विदाउट ऑयल फूड खाती हूँ। तो अब चलते हैं। तो अभी सब लोग यहाँ पर टीवी देख रहे हैं और मैं भी देख रही हूँ, तो भाई बताते हैं कि हम क्या देख रहे हैं टीवी में। तो मैं अपने खुद का चैनल भी देख रही हूँ टीवी में, तनिषा व्लॉग्स। तो इसमें से मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट वीडियो कौन सी है मैं आपको बताती हूँ। तो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट वीडियो है ओनली ईटिंग मिल्की फूड फॉर 24 आवर्स। तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, लेकिन उसके अगले दिन ही मुझे फीवर हो गया था, हाई फीवर। एक हफ्ते तक चला था वो। तो आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उसका भी मैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम टीवी देखते हैं।